बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं ब्लॉग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोग को एक न्यूज देना चाहता हूँ, शायद से आप लोग को न्यूज पता भी हो। जानते हैं सौरभ जोशी को, आप लोग तो जानते ही होंगे, नाम सुना ही होगा, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा ब्लॉगर है और भारत का ब्लॉगर वो अपने को सबसे बड़ा मानता भी है, वाकई में है भी। जिसका इतने सब्सक्राइबर हो तो कोई छोटा मोटा यूट्यूबर या ब्लॉगर तो हो नहीं सकता है। और इंसान के अंदर में यार सबसे बड़ी एक कमी होती है, चाहे कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ पर अभी नहीं हूँ, ठीक है ना, और होऊंगा भी नहीं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि ऐसा मत करना। इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो उसके अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है, जबकि वो यह भूल जाता है कि मैं इतना बड़ा अगर बना हूँ तो मेरे पीछे मुझे बड़ा बनाने वाला भी कोई है। और मुझे बड़ा बनाने वाला कौन है? आप ही लोग तो हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न रखते तो मैं आज जो भी मेरे चैनल पे 100-150 जो भी सब्सक्राइबर हैं, तो आप ही के बदौलत है ना। क्या आपको कुछ मिला है? कुछ नहीं, मतलब मैं अच्छा लग रहा हूँ तो आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो आप सब्सक्राइब करके रखते? अगर मैं अच्छा कंटेंट आपको नहीं देता तो आप सब्सक्राइब करके रखते? पर अब अगर मैं बड़ा हो जाऊँ, मेरे सब्सक्राइबर जो है लाखों मिलियन में हो जाए और मैं जो है अपने को बहुत बड़ा ब्लॉगर समझने लगूँ या बहुत बड़ा मानने लगूँ, तो ये तो मेरी सबसे बड़ी कमी है, मेरी बहुत बड़ी भूल है। और जो इंसान जब बड़ा बनने लगता है तो कभी न कभी वो गिर जाता है। अब सौरभ जोशी की मैं बात करता हूँ, आज से एक हफ्ते पहले उसने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में उसको जो वहाँ के उत्तराखंड के आईजी हैं, आईजी सर, उन्होंने मीटिंग बुलाया था, उसमें जो है सौरभ जोशी को भी इन्विटेशन किए थे। और सौरभ जोशी को लगा कि ये जो हल्द्वानी है ना, ये मेरे बदौलत लोग हल्द्वानी को और उत्तराखंड को जानते हैं। देखिए कोई भी जगह, जैसे मैंने इतना वीडियो आपको बनाया है, चाहे गोपीगंज के ऊपर बनाया, चाहे ज्ञानपुर रोड के ऊपर बनाया, जितना भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो क्या यार मैं पैदा हुआ तब ये सब स्थान आया कि मेरे आने से पहले के ये सब स्थान है? ये तो मैं बना रहा हूँ वीडियो ना, मतलब मेरे वजह से लोग जान रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं सौरभ जोशी ने अपने वीडियो में यह बात कहा कि आज अगर हल्द्वानी को और उत्तराखंड को कोई जानता है तो मेरे बदौलत जानता है। मतलब सौरभ जोशी ने ऐसा कहा कि अगर हल्द्वानी और उत्तराखंड को अगर कोई जानता है तो सिर्फ सौरभ जोशी की वजह से जानता है, क्योंकि सौरभ जोशी जब पैदा नहीं हुआ था ना तो उसके पहले हल्द्वानी और उत्तराखंड को कोई नहीं जानता। मैं यूथ को तो बोलूंगा, जितने बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से सुनना, बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। कि जितने भी बड़े तीर्थ स्थान है, बड़े बड़े शंकर भगवान के बहुत बड़े बड़े मंदिर है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो है हल्द्वानी और उत्तराखंड पूरे भारत का सबसे मुख्य तीर्थ स्थान माना जाता है। मतलब कि अगर मानिए तो जो सबसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे सनातन धर्म में, तो कितने ज्योतिर्लिंग वहाँ पे भी मौजूद हैं। और जैसे कैलाश हुए, बद्रीनाथ हुए, ये सब जो है उत्तराखंड में ही हैं, ठीक। परंतु उसके बाद में इतना घमंड आ गया कि उसने ये बात बोल दिया कि मेरे वजह से आज उत्तराखंड को लोग जानते हैं। यार हम लोग क्या बनाते हैं, क्या जो है दिखाते हैं, एक वीडियो ही बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा लोगों तक जानकारी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जगह को मेरे वजह से जानता है या कोई भी स्थान को। जैसे मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैंने ये मंदिर महाराजगंज में है, शंकर भगवान का मंदिर है और बहुत वीडियो इसके ऊपर मैं डाल चुका हूँ ऑलरेडी मेरे चैनल पे, आप इसके ऊपर देखेंगे, शंकर भगवान का मंदिर है। क्या ये मंदिर मेरे वजह से लोग जानते हैं? नहीं, ये मंदिर पहले से ही बना हुआ है, ठीक। हाँ, बनाना ना बनाना मेरी इच्छा है। अब मेरे वजह से मैं कह दूं कि आज वाराणसी को लोग मेरे वजह से जानते हैं, काशी को मेरे वजह से जानते हैं, प्रयागराज को मेरे वजह से जानते हैं, तो ये तो मूर्खों वाली काम है। और सौरभ जोशी मतलब सबसे बड़ा मूर्खों वाला काम किया है। तो
आपकी राय क्या है ऐसे यूट्यूबरों के प्रति, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका उत्तराखंड में बहुत भारी भूकंप सा मचा है। सौरभ जोशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे शर्म करो, शर्म करो। मतलब इतना बवाल वहाँ पे है कि कुछ लोगों ने तो सौरभ जोशी को पुतला भी सौरभ जोशी का फूका है, कुछ लोगों ने सौरभ जोशी का पुतला भी फूक दिया है। और मुझे तो लग रहा है ना कि अगर वो घर से बाहर निकला तो पक्का मार भी खाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी आप तक देना था। और यार वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते यार, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका ये छोटा भाई, आपका मित्र, आपका जो भी आप समझे, ठीक है, ऐसा ही वीडियो लाता रहेगा, आगे फिर लाएंगे, जस्ट अच्छा से अच्छा वीडियो आपको ला के देते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।